अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू जे के जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, ये विशाल पब्लिकेशंस ने बुक निकाली है जे के बोस जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए। आप जानते ही होंगे जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है जे के बोस जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है। जो इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में कहा है, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। बट गाइज़ आई थिंक अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा, काफ़ी जल्द इन्होंने एग्ज़ाम का डेट निकाला। इन्होंने मेंशन किया इस नोटिफिकेशन में कि अप्रैल में एग्ज़ाम्स होंगे। अब फर्दर एग्ज़ाम कब होगा वो हम जान लेंगे, ठीक है। इनकी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन फर्दर आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब अगर हम बात करें इस बुक की, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है विशाल पब्लिकेशंस की। देन अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे आप देख सकते हो 2200 MCQs आपको देखने को मिल जाएंगे इस बुक में। एंड ये जो बुक है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस जो जेके बोस ने निकाला है जूनियर असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो जेके बोस जूनियर असिस्टेंट की बुक है ये। एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस इन्होंने इसे पब्लिश किया है। जब आप इस बुक को ओपन करोगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा जो जेके बोस ने निकाला है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने इस बुक को एक बार देखा है, काफ़ी अच्छी बुक है। एंड MCQs आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखने को मिल जाएंगे एंड वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप इस बुक को स्टडी करोगे। अब कैंडिडेट्स कहाँ से आपको ये बुक परचेज़ करनी है, आप मार्केट से ईज़िली से इसे परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ाम किट, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे MCQs देखने को मिल जाएंगे जिनको कि आप स्टडी करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, बिकॉज़ टाइम काफ़ी कम है अगर अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ। अब रही बात गाइज़, ये जो बुक मेरे पास है यहाँ पे आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो कैंडिडेट्स बुक परचेज़ नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं रिसेंटली अपनी यूट्यूब चैनल पे वेरी सून में एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा। मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा इस बुक से एंड साथ ही मैं MCQs भी प्रोवाइड करूंगा। ये जो मान लीजिए इस बुक पे ये क्वेश्चंस हैं, MCQs है, तो मैं इसे स्कैन करके आप तक PDF पहुंचाऊंगा। जो बुक परचेज़ नहीं कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स, उनके लिए मैं पूरी बुक PDF फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे करके मान लीजिए पहले मैं आपको जनरल नॉलेज शेयर करूंगा आपके साथ, इसी तरह से सेक्शन वाइज एंड लेक्चर वाइज में आपके साथ MCQs शेयर करूंगा। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसे पूरा एक बार देखा है। अगर आप इस बुक को स्टडी करोगे तो ईज़िली से आपको मार्केट में आज ये मिल जाएगी, आप जाके इसे परचेज़ भी कर सकते हो। इसका प्राइस है 350 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छी बुक है। एक बार मैंने इसे स्टडी करके देखा है MCQs वगैरह को, तो बहुत ही अच्छी बुक है। 2200 प्लस MCQs आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे एंड एज पर लेटेस्ट सिलेबस है ये। तो गाइज़ ये था थोड़ा बहुत इस बुक के बारे में। एंड वेरी सून गाइज़ मैं वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा और मैं आपको MCQs प्रोवाइड करूँगा। जो कैंडिडेट्स बुक परचेज़ नहीं कर सकते उनके लिए मैं MCQs इस बुक से प्रोवाइड करूँगा। एंड साथ ही में दूसरी बुक भी है रिहांट की, तो उससे भी मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ओके गाइज़, थैंक्स। आई होप कि आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ ही में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।